उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। इसी को लेकर मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था की है, जिस पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। नए अधिकारी होने के कारण व्यवस्था की जानकारी नहीं होना बताते हुए सिंहस्थ महाकुंभ जैसे बड़े महापर्व भी व्यवस्थित करने की बात कही। वहीं महाकाल की व्यवस्था को गृह मंत्री ने अच्छी व्यवस्था बताई है। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा की भस्म आरती में शामिल होने पहुंचते हैं। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भस्म आरती के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे। गर्भगृह में जल चढ़ाने को लेकर उन्हें कई अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा, जिससे वे नाराज दिखे और कहा कि नए नए अधिकारी आए हैं, उन्हें व्यवस्था की जानकारी नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे तो 40 वर्ष हो गए हैं बाबा महाकाल के दर्शन करते करते, लेकिन इस तरह की व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी। हमने तो सिंहस्थ जैसे महाकुंभ अच्छे से करवा दिए हैं। वहीं बेगमबाग में चल रहे CAA के धरने पर उन्होंने कहा कि शिवरात्रि जैसे पर्व पर धरना दें और रास्ता रोकें। शहर के अंदर भय का वातावरण बनाया जा रहा है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। इसमें प्रशासन को ध्यान देना था, यह प्रशासन की बड़ी असफलता है। देखिए, मुझे तो यहाँ आते आते लगभग 40 वर्ष हो गए, ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं है जब मैं यहाँ नहीं आया हूँ। आज लगातार भीड़ बढ़ती जा रही, मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी अव्यवस्था है। मुझे लगता है कि नए अधिकारी होंगे, शायद जानकारी नहीं होगी व्यवस्थाओं के बारे में। नहीं तो हमें तो कुंभ जैसे बड़े महापर्व निपटाए हैं, तब भी इतनी अव्यवस्था नहीं होती थी जितनी अभी यहाँ दिखाई दे रही है। क्या कारण रहा है दादा? मुझे लगता है कि अधिकारियों में भी शायद जानकारी का अभाव होगा। सारे गेट एक साथ खोल दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन किधर जा रहा है, कौन किसको धक्का मार। ये प्रशासन को थोड़ा सा कुछ मामले में, क्योंकि उज्जैन महाकाल शिप्रा नदी इसकी पहचान है। यहाँ पर शिवरात्रि जैसे महापर्व पर लोग धरना दें, रास्ते का अवरुद्ध करें, शहर के अंदर ऐसा वातावरण बनाए जिससे कि कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द खराब हो, मैं समझता हूँ कि इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और ये प्रशासन की असफलता। महाशिवरात्रि पर्व पर प्रदेश के गृह मंत्री भी अपने परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे थे। कैलाश की नाराजगी पर बाला बच्चन ने कहा कि व्यवस्था अच्छी है, महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं को बराबर स्थान मिला है। मैं तो पूरे समय भस्म आरती में मौजूद था, लेकिन कैलाश जी 2-3 मिनट ही यहाँ पर रुके थे। मैंने मंदिर की पूरी व्यवस्था देखी है, श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था मंदिर की ओर से करवाई जा रही है। नहीं, व्यवस्थाएं अच्छी है, अच्छी व्यवस्था है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और मैं समझता हूँ कि लगभग जो श्रद्धालु जो दर्शन करने वाले जो आए हैं, जिनको जैसा जो चाहते थे भगवान महाकाल के भस्म आरती में, उनको बराबर स्थान भी स्थान मिले, मौका मिले और आरती के बराबर लाभ भी मिले और दर्शन भी आरती के हो सके, भगवान के दर्शन हो सके, इसके मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे पुख्ते इंतजाम किए थे। देखिए, मैंने उनको बहुत कम समय के लिए, शायद 1-2 मिनट के लिए मैंने उनको देखा था। मैं तो पूरे फुल टाइम यहाँ रहा हूँ और पूरे समय तक मैंने सभी चीज़ों का ध्यान दिया है और व्यवस्थाओं का भी मैंने पूरी तरह से मुआयना किया है, मैंने ध्यान दिया है और पूरी तरह से अच्छी व्यवस्थाएं थी और सबको सब तरह का चांस और अवसर जो मिला है, आरती का अवसर मिला है, भगवान महाकाल के दर्शन करने को मिला है, जल चढ़ाने को मिला है, तो सब तरह का श्रद्धालुओं को जैसा जो चाहते थे वैसा उनको अवसर और चांस मिला है, ऐसी कोई बात नहीं जैसा उन्होंने कहा है। बाबा महाकाल के पंचामृत अभिषेक में गृह मंत्री के द्वारा पूजन करने पर मंदिर के पुजारी ने VIP व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। मंदिर के महेश पुजारी ने बताया कि VIP की व्यवस्था से श्रद्धालुओं में खौफ रहता है, उन्हीं के कारण सभी दूर से लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, जिसके कारण मंदिर में अव्यवस्था होती है। मंदिर में अव्यवस्थाओं का कारण VIP और रेगुलर व्यक्तियों के कारण होता है, जिस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। कोशिश की गई मंदिर प्रबंध समिति ने कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन फिर भी नियमित आने वाले दर्शनार्थी और VIP और प्रोटोकॉल से आने वाले दर्शनार्थी, जिनका एक खोप होता है यहाँ के व्यवस्थाओं में, उनके माध्यम से जब चारों दरवाजों से जाना आना प्रवेश प्रारंभ होता है तो ऐसी अव्यवस्था फैलती है। मंदिर प्रबंध समिति, पुजारी वर्ग और अन्य सारे जो कर्मचारी यहाँ लगे हुए थे वो पूरा ध्यान व्यवस्था पे देते हैं, लेकिन
जो इस मंदिर में एक अव्यवस्था का कारण VIP है और नित्य आने वाले लोग हैं, इस पर का अंकुश लगाना मंदिर समिति को बहुत आवश्यक है, तो ही यहाँ की व्यवस्था सुधर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।